छात्र संघ चुनाव को लेकर यह खबर है, वोटिंग संपन्न हो चुकी है, कल नतीजे आएंगे और प्रदेश के 15 विश्वविद्यालयों और 452 कॉलेजेस में यह मतदान हुआ। कोटा, बीकानेर, उदयपुर में जमकर हंगामा नजर आया, तो समर्थकों को संभालने में पुलिस को बड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। तो वोटिंग संपन्न हो चुकी है, 1 बजे तक ये वोटिंग हुई, प्रदेश के 15 विश्वविद्यालयों और 452 कॉलेजेस में मतदान संपन्न हो चुका है। कई ऐसी जगह जैसे कोटा, बीकानेर और उदयपुर, वो जगह जहां पर हंगामा भी नजर आया और ऐसे में जो समर्थक थे उनको संभालने के लिए पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 12 तस्वीरें बीकानेर, कोटा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, बूंदी, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़, कोटपुतली और भरतपुर की तस्वीरें हैं जहां पर आज मतदान हुआ, वोटिंग हुई। और इस वोटिंग के दौरान कहीं पर हल्की धक्का मुक्की भी हुई, पुलिस को थोड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। बीकानेर में ये तस्वीरें नजर आई, तो कोटा में भी तस्वीरें नजर आई जहां समर्थकों के साथ छात्र नेता नजर आए, वहीं छात्र जो हैं वो भी उत्साहित नजर आए। जो नए छात्र थे जो पहली बार वोटिंग कर रहे थे उनमें भी अलग ही उत्साह नजर आया। जयपुर में भी इस तरह की तस्वीरें थी, सेल्फी लेते हुए भी छात्र नजर आए। तो सीकर में कास्ट करने के बाद अपना वोट, अपने उत्साह को जाहिर करते हुए सभी छात्र दिखाई दिए। झुंझुनू, अजमेर, बूंदी, यहां पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें थी। और साथ ही साथ क्योंकि पुलिस व्यवस्था पूरी चाक चौबंद रखी गई थी, किसी तरह से हुड़दंग ना हो, जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ ना जाएं, इन तमाम चीजों को लेकर पूरी सतर्कता पुलिस की नजर आ रही थी। बीकानेर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस से भिड़ते हुए ये छात्र नजर आ रहे थे, समर्थक नजर आ रहे थे, हालांकि बाद में स्थिति को संभाल लिया गया। तो वहीं कोटा में भी कुछ तस्वीरें इसी तरह की नजर आई, हालांकि जयपुर में कुछ इस तरह का विवाद या कुछ भी भिड़ंत जो है पुलिस और समर्थकों के बीच में या छात्र नेता के बीच में कहीं नजर नहीं आई। पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं को रखा गया था। सीकर, झुंझुनू, बूंदी, यहाँ पर भी छात्र अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और कहा जा रहा है कि अच्छी संख्या में ये छात्र पहुंचे हैं। हालांकि सुबह सुबह की बात करें तो 8 बजे के बाद 9-10 बजे तक थोड़ा सा लो ये सिस्टम था, बहुत धीरे कह सकते हैं परसेंटेज में ये बढ़ रहे थे छात्र, लेकिन फिर उसके बाद उत्साहित छात्र नजर आए। जो छात्र नेता थे वो वहां पर पहुंचे थे और मान मनुहार का दौर भी उस दौरान जारी था। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तस्वीरें जो नजर आ रही थी जहाँ छात्र नेता अपने जो भी छात्र पहुंच रहे थे समर्थकों के साथ उनकी मान मनुहार करते हुए दिखाई दे रहे थे। कोटा, उदयपुर, बीकानेर की ये खास तस्वीरें हैं। कोटा में किस तरह से बाइक उठाते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर हुड़दंग हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। तो बीकानेर में पुलिस बीच बचाव करती नजर आई, पुलिस को काफ़ी मशक्कत यहाँ पर इन लोगों को रोकने के लिए करनी पड़ी क्योंकि छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद थी, तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा यहाँ पर रखी भी गई थी। लेकिन थोड़ा बहुत हुड़दंग और इस सब के बीच में पुलिस की सतर्कता काम आई और इसी के साथ इन छात्रों को मतदान के लिए सुरक्षित तरीके से और बेहद कह सकते हैं कि एक जो पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के तहत उनको वोट कास्ट करवाया गया। अब कल नतीजे आएंगे और उन नतीजों के बाद और तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेंगी।